हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, आपको इस चैनल पर हर एक होम अप्लायंसेस के बारे में, हर एक अपने मनपसंद वस्तु के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, मतलब आप इस चैनल पर नए हैं और आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो दी गाइज, लेट्स बिगेन दी टूडेज वीडियो। उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो दी गाइज, इस वीडियो में हम बजाज के 2310 ETC माइक्रोवेव ओवन को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो जानने आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पावर की। अगर आपके माइक्रोवेव की पावर 700 या उससे कम है तो वो माइक्रोवेव ओवन आपके खाने को जल्द कुक नहीं कर पाएगा। इसलिए माइक्रोवेव लेने से पहले ज़रूर ख्याल रखिए आपके माइक्रोवेव की पावर मिनिमम पावर आउटपुट मिनिमम 800 वैट्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं साइज़ की। अगर आपके फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स हैं तो आपके लिए 23 लीटर माइक्रोवेव ओवन सफिशियंट है, बट आपके फैमिली में अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आप 28 लीटर्स का ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग और रोटी सीरीज, इसके लिए आपको एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव की ज़रूरत है। लेकिन आप सिर्फ खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव लेना चाहते हैं तो आप सॉलिड माइक्रोवेव ले सकते हैं। सो दी गाइज, ये है बजाज का 23 लीटर्स का माइक्रोवेव ओवन। इसके पावर फीचर से पावर आउटपुट है इसका 800 वॉट्स। सो दी गाइज, आप इसकी यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट नेम है माइक्रोवेव ओवन, मॉडल इसका 2310 ETC है। इसका पावर आउट सकते हैं फॉर द माइक्रोवेव ये 1300 वॉट्स कंज्यूम करता है, फॉर द ग्रिलिंग ये 1200 वॉट्स कंज्यूम करता है एंड लास्ट वन कन्वेक्शन के लिए ये 1200 वॉट्स कंज्यूम करता है। इसका पावर आउटपुट आप देख सकते हैं 800 वॉट्स है। कैपेसिटी आप देख सकते हैं 23 लीटर से। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 15 kg है। यहाँ पर आप इसकी MRP देख सकते हैं 17,775, बट इसके एक्चुअल प्राइस क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो दी गाइज, आप इसे देख सकते हैं, ब्लैक कलर में आए हैं। बॉक्स कंटेंट में इसके साथ आपको ये रोलिंग रिंग दिखाई दे रही होगी। इसके साथ आपको ये मैनुअल दिया हुआ है, ये आप मैनुअल देख सकते हैं और इसके साथ आपको ये ग्लास ट्रे भी देखने को मिलेगा। सो दी गाइज, आप ये देख सकते हैं, ये इसका हैंडल है। इस हैंडल से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड पर आपको एक ग्लास दिखाई दे रही होगी, एक ग्लास में आते ही फ्रंट डोर। इसके साथ आपको ये ग्रिलिंग करने के लिए ग्रिलिंग ट्रे भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वारंटी कार्ड आता है। इसके लिए कॉम्प्रेसिव वारंटी है 1 ईयर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दी गाइज, चलिए अब हम देखते हैं इसे यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको कुछ भी कुक करने से पहले इसे इस तरह से सेट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोलर रिंग रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्लास साइड में 3 टॉप पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। इससे आपको इस व्हील में अटैच करना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद आप जो कुछ कुक करना चाहते हैं वो आप रख कर इस डोर को बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट बटन है ये माइक्रोवेव के लिए है, ये ग्रिलिंग के लिए आता है, ये कन्वेक्शन के लिए दिया है और ये वेट और डिफ्रॉस्टिंग के लिए दिया है। इससे आप इस बटन से कंफर्म कर सकते हैं जो आप प्रोग्राम सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इससे 30 सेकेंड से मल्टीपल आप यहाँ पर से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। सो दी गाइज, इसमें आपको एक्टो मेन्यू स्टेबल फॉर 46 इंडियन रेसिपीज़ देखने को मिलेंगे।
इसके साथ आपको ऐटो कुक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइमर, वेट और ऐटो मेन्यू के लिए ये व्हील दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है। इससे आप ऐटो मेन्यू सेट कर सकते हैं, इसका इससे वेट भी सेट कर सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम। यहाँ पर आप इससे टाइमर पर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव के लिए आपको ये बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको टाइम सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये कंफर्म बटन करना होगा, और यहाँ पर आपको उसके बाद आपको ग्रिलिंग करना है, तो यहाँ पर आपको ग्रिलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको ग्रिलिंग का वेट और टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आप उससे कन्फर्म कर सकते हैं। कन्वेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको कन्वेक्शन का ऑप्शन बटन दिया हुआ है, इसके बाद आपको टाइम सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप कन्फर्म कर सकते हैं। डिफ्रॉस्टिंग मतलब आपने फ्रिज में से निकाली हुई चीज़ आपको वार्म करनी है, यहाँ पर आपको डिफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप डिफ्रॉस्टिंग सिलेक्ट कर टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद कन्फर्मेशन बटन। सो दी गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोवेव में आप बेकिंग प्लस कुकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिलिंग में आप रोस्टिंग कर सकते हैं, एंड यहाँ कन्वेक्शन में आप कुकिंग प्लस बेकिंग कर सकते हैं, मतलब आप इसमें केक वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐटो एट कुक मेन्यूज दिए हुए, सबसे पहले यहाँ पर पिज्ज़ा, मीट, वेजिटेबल, पास्ता एंड केक, इस साइड आपको पोटैटो, फिश, बीवेज, पॉपकॉर्न एंड चिकन, ये ऐटो कुक मेन्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, इसमें आपको टाइम एंड वेट शो होगा। यहाँ पर आप इसे अंदर से देख सकते हैं, ये टोटल स्टेनलेस स्टील में बना है। यहाँ पर आपको स्टीम क्लीन ये ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप इसमें स्टीम या स्टीम क्लीन से वो क्लीन कर सकते हैं। आपको अगर ग्रिलिंग करना है तो ग्रिलिंग के लिए अलग सा ट्रे दिया है, आपको सिर्फ ग्रिल करना है तो ये ग्रिलिंग ट्रे है, इसमें आप ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिलिंग के लिए ये ट्रे दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे अंदर से देख सकते हैं, ये नीचे व्हील दिया हुआ है, इससे ये राउंड होता है तो आपका जो आपने कुक करने के लिए रखा है वो राउंड सर्कल में घूम जाता है, और अच्छी तरह से पकने में हेल्प हो जाती है, कुक होने में हेल्प हो जाती है। यहाँ पर आप इस साइड देख सकते हैं, ये बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील की आती है, यहाँ पर आपको दो लॉक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको चाइल्ड लॉक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इससे आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो आसानी से इसे खोल नहीं पाएंगे, इसे आप अच्छी तरह से साइड से भी देख सकते हैं। सो दी गाइस, इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसे आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, ये इसकी केबल दी हुई है, इसकी बैक साइड की बॉडी आप देख सकते हैं। सो ये थी इसकी सभी इंफॉर्मेशन। मेन थिंग इज इसकी कॉम्प्रेसिव वारंटी आती है 1 ईयर की। मेन थिंग इज इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 11,500 रुपीज़, ये आपको 11,500 रुपीज़ में परचेस कर सकते। सो दी गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके कुछ क्वेश्चंस हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने बजाज का ओवन, ओटीजी ओवन का भी वीडियो बनाए, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके वो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।